क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्या दिया है? इन ट्राइंगल एबीसी, एपी किसको परपेंडिकुलर है? 11 एपी, और बीसी को क्या हो? तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल। बीक्यू दिख रहा है, किसको परपेंडिकुलर है? जा रहा है ये बीक्यू, तो कितने डिग्री का एंगल? तो 90 90 हो गया। बी डैश पी डैश सी का मतलब क्या होता है? कोलिनियर। मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है? ए डैश क्यू डैश सी का मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल सी पी ए, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? सी पी ए, ये वाला ट्रायंगल किसको बोल रहे हैं? सिमिलर सी क्यू बी, सी क्यू बी, रेड वाला और येलो वाले ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर। क्या करना है? तो सिमिलर करने, ट्रायंगल को अगर, दो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है? सिमिलर। तो टोटल कितने टेस्ट है? कितने हैं? कौन कौन से है? साइड 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 टेस्ट, एंगल एंगल और साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अब इसमें कोई साइड की वैल्यू दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। एपी कितना है? बीक्यू कितना है? बीसी कितना है? एसी दिया है क्या? तो मैं साइड 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 तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि चार जो भी ट्रायंगल है ना, उनमें तीनों साइड्स की वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया था तुमको, मोस्टली जितने तुम्हारे आएंगे कौन से टेस्ट होंगे तुम्हारे, तो हम इसको भी किससे करेंगे? एंगल एंगल टेस्ट से, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, एपी किसको परपेंडिकुलर है एंड बी क्यू किसको परपेंडिकुलर है? एसी को। एपी कितना है? बी क्यू कितना है? बीसी कितना है? इन अ ट्राइंगल सी पी ए, कौन सा ट्राइंगल? यही बोला है सी पी ए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला है? सी क्यू बी, कौन सा ट्राइंगल? सी क्यू, सी पी ए दिख रहा है उसमें? दिख गया सबको? येलो वाला है कि रेड वाला है? येलो वाला। तो उसमें से देखो कौन सा एंगल 90 डिग्री, ए है सी ए या पी है? एंगल पी है। कितना डिग्री है? एंगल पी 90 डिग्री है मेरा, एंगल पी हुआ मेरा, बट उसको पी लिखूंगा क्या मैं? पी को रखना बीच में, ठीक है, ये रखा पी को बीच में, अब बचा कौन? अरे उसके सामने, उसको लिख देना एंगल, ठीक है। लिखना है तो उसको कॉन्ग्रुएंट लिखना, क्या लिखना? सिमिलर का साइन नहीं दे रहा, क्या साइन देना? कॉन्ग्रुएंट का। अब इधर से मैंने कौन सा एंगल लिया? सी पी ए, तो करस्पॉन्डिंग के हिसाब से इधर से भी कौन सा लूंगा? सी, चेक करो 90 डिग्री है क्या? सी क्यू बी कितना डिग्री है? मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, समझा? अब देखो तो दूसरा एंगल लेना है, अरे हाँ कि ना? तो इसमें देखो एक वर्टेक्स कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है? तो सी साइड से कॉमन एंगल हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने इधर से लिया एंगल ए सी पी, कौन सा एंगल लिया? इधर से लिया मैंने ए सी पी, तो इधर से क्या एंगल? ए सी पी मतलब ये सी एंगल आ रहा है, और इधर से कौन सा ले रहा हूं? बी सी क्यू, बी सी क्यू, कौन सा एंगल आ रहा है? दोनों में एक ही एंगल है, नाम अलग अलग है, एंगल तो वही बता रहा है ना, अरे हाँ कि ना? तो दोनों एंगल का मेजर क्या रहेगा? क्योंकि एंगल क्या है? सेम ही है, ठीक है, बस नाम उनका अलग है। नाम क्या है? दोनों एक ही एंगल शो कर रहे हैं, तो एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी क्यू, कॉमन है तो कौन सा एंगल लिखेंगे? कॉमन एंगल। कौन सा एंगल? कितने एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो कौन सा टेस्ट? देयरफॉर ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर ट्राइंगल सी क्यू बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझा? एंगल एंगल टेस्ट से क्या हो गया? मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला था कि ट्रायंगल सिमिलर कर लो, प्रूफ कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्या बोला था कि
किसके वाले निकालो, एसी की, किसके वाले निकालो, एसी की, एसी, हाँ अब उसमें फाइंड आउट भी दे दिया है ना उसने, सिर्फ टू प्रूव दैट डियर, तो तुम गिवन टू प्रूव वाले जैसे का लिखते, ठीक है, बट उसने साथ में क्या दे दिया है, फाइंड आउट भी दिया। हाँ एसी की वैल्यू बोला उसने, तो इधर से लिया मैंने एसी लिया, ये एसी है तो उधर से क्या आएगा, सीबी आएगा, सीबी सीबी, एसी और सीबी हो गया, एसी की वैल्यू निकालना था और सीबी की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू दिया है, एपी की, तो इधर से एपी ले रहा हूं मैं, लिया एपी तो उधर से क्या आएगा, बी क्यू, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझा, मैंने इसके पहले तीन लेना है तो अभी दो की जरूरत है, तो या तुम कर सकते हो पहले तीनों साइड प्रोपोर्शन में लो, ठीक है, जैसा ऐसा पीसी अपॉन सी क्यू, मतलब एक और ये तीनों आ गए, अब तीन में से भैया दो को लेना है हमको, कोई दो को, ये तीन प्रोपोर्शन है ना, एक दो तीन, एक तो फिक्स रहेगा, जिसकी जिस प्रोपोर्शन में से एक साइड की वैल्यू निकालना है वो मेरा फिक्स है, जैसे मेरे को एसी की वैल्यू निकालना है ना तो ये तो लेना ही है मुझे, हाँ कि ना, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एसी, और एसी की वैल्यू मुझे क्या करना है, अब बाकी जो दो बचे उनमें से वो लेना, जिसमें से तुमको ऊपर वाले की वैल्यू पता हो, नीचे वाले की पता, इसमें से देखो गिवन में सीपी की वैल्यू दिया है क्या उसने, ना ही सी क्यू की वैल्यू दिया, तो इसको लेने की जरूरत, एपी की वैल्यू दिया है और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता चल गई, और इधर किसकी वैल्यू पता है, बीसी की, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू, टोटल कितने हैं यहाँ पे, चार, कितने हैं, चार में से कितने की वैल्यू पता है, तो एक की निकाल सकता कि नहीं निकाल सकता, एसी कितना है, नहीं दिया है, सीबी कितना है, 12 है सीबी, एपी 7, बीक्यू कितना है, ये डिवाइड उधर जाके, तो 7 × 12/8 जैसे का, फोर थ्री जा, फोर टू जा, 7 × 3 = 21/6, ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर यूनिट, समझा, अरे हा कि ना, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या हमको प्रूव करना है ना, हाँ, तो इसको अब उस प्रमाण से लिखेंगे हम लोग, पहला दिया है गिवन लिख लेंगे, देखो क्या बोला है, इन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम पता है ना, ट्रेपेजियम का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पैरेलल, एक अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, क्या होती है, तो इसकी कौन सी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये वाली पीएस और क्यूआर पैरेलल है, क्योंकि पीक्यू और एसआर पैरेलल है, कौन सी साइड पैरेलल है, पीक्यू और एसआर, देखो इसने बोला है साइड पीक्यू किसको पैरेलल है, एआर कितना दिया है, एसी कितना दिया है, एआर प्रूफ क्या करना है, एसआर इक्वल टू 5 PQ, एसआर इक्वल टू, तुम जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो ये जो दो चीज गिवन दिया इनमें से केवल एक ही अप्लाई होने वाला, कोई भी केवल एक ही यूज होगा, एट अ टाइम एक ही यूज होगा, दोनों एक ही समय यूज होने वाला, वो समझ जाएगा, देखो गिवन क्या दिया उसने, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू पैरेलल साइड एस आर, ठीक है, ए आर की वैल्यू कितना दिया है, 5 AP, ए एस की वैल्यू कितनी दिया है, 5 AQ, ए आर दिख रहा है तुमको, ये ए आर, ए एस दिख रहा है, ये ए एस, ये एक ट्रायंगल हो गया और एक अलग ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जो पैरेलल साइड जो दिख रही है उन दोनों का यूज करके जो ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल लेना है हमको, ठीक है, एक पैरेलल साइड हो गई, एक ट्रायंगल बन रहा और एक ट्रायंगल बन रहा, ठीक है, ये इसलिए ले रहे क्योंकि ये दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा हमारा, और इसमें ए एस और ए आर भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इधर से क्या जा रहा है, एपी और पी क्यू, सब साइड एक ही बार में क्या हो जा रही है, कवर, इसलिए वो दोनों ट्रायंगल लेना है हमको, और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, क्या करना है, एक एंगल तो दिख गया सबको, अरे हाँ कि ना, कौन सा एंगल छोटी दिख गया, कौन सा एंगल दिख गया, एस ए आर, और दूसरा कौन सा एंगल है, दोनों एस ए आर और पी ए क्यू दिख गया एंगल, ठीक है, दोनों इक्वल भी है, दोनों क्या है,
इक्वल भी है ना, क्योंकि सिमिलर करने के लिए हमको इक्वल बताना पड़ेगा, और इक्वल बताने के लिए एक एंगल दिया है बस, दूसरे एंगल के लिए हमको क्या करना है, मशक्कत क्या करना है, छोटी कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल है पता था तुमको, है ना, दोनों को मिला के कौन सा शेप बन रहा है, एक्स बन रहा है, यहाँ पे भी दो एंगल को मिला के एक्स शेप बने तो कौन सा एंगल आ जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजर हमेशा क्या रहता है, सेम, क्या रहता है, सेम रहता है। तो इधर से अब देखो ट्रायंगल कैसे लेना है ना, ट्रेपेज जब भी है तुम ऐसा वर्टिकली वाला ले रहे हो, है ना, जैसे मान लो ऊपर से मैंने लिया पी ए क्यू, कौन सा लिया, तो पी का अपोजिट वर्टेक्स कौन आ रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल आर से स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना, ऊपर लिया मैंने पी ए क्यू तो नीचे से क्या होगा, मान लो लिया मैंने क्यू ए पी तो इधर से क्या होगा, समझा कि ना, समझा ना, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको एस आर इक्वल टू फाइव पी क्यू, प्रूफ, ठीक है। देखो साइड पी क्यू पैरेलल साइड एस आर, ठीक है, पी क्यू किसको पैरेलल लिया, एस आर को, एंड एस क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल, एस क्यू क्या है उसका, है ट्रांसवर्सल, दिख रहा है क्या, ये हो गया मेरा पी क्यू और ये हो गया मेरा पी क्यू एस आर, ऐसे ही बोला, पी क्यू किसको पैरेलल है, ए, और एस एस क्यू क्या है उसका, ट्रांसवर्सल है, कौन सा शेप बन रहा है, कौन सा शेप बन रहा है, जब दो जेड एंगल बन रहा है, क्या सॉरी कौन सा शेप बन रहा है, जेड, तो कौन सा एंगल आता है, अल्टरनेट एंगल, तो इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा, अल्टरनेट एंगल बताओ, दो कौन सा एंगल, दो एंगल अल्टरनेट है, हाँ दो ही तो आएंगे ना, हाँ कि ना, कौन से दो एंगल अल्टरनेट है इसमें, पी क्यू एस और आर, हाँ पी क्यू एस और, अरे ये जेड जो दिख रहा है ना ऐसा बनते हुए, इसका ये कुंटे में जो आ रहा है वो एंगल और ये कुंटे में आ रहा जो एंगल, वो दोनों एंगल का मेजर क्या रहता है, इधर कौन आ रहा है, इधर कौन आ रहा है, बट क्यू अकेला बोलोगे क्या, क्योंकि डायग्राम में तुम देखोगे क्यू बहुत सारे एंगल को डिनोट कर रहा है, क्यू देखो ये भी एंगल आ रहा है उसमें, ये भी एंगल आ रहा है और ये पूरा एंगल भी आ रहा है, अब तुमने क्यू लिखा तो चेकर को कैसे समझेगा कि तुम कौन सा एंगल बताना चाह रहे हो उसको, हाँ कि ना, मैंने लिख दिया एंगल क्यू, क्या लिख दिया, तो मैं समझूंगा कि तुमने ये बता रहे बट तुमने मुझे बताना चाहते ये वाला, है ना, या तुम बताना चाहते ये वाला और मैं समझ रहा हूँ ये वाला, तो कंफ्यूजन है कि नहीं है, अब मैंने बोला एंगल ए क्यू आर, कौन सा एंगल बोला, तो ये हो गया ए ए क्यू आर, अब चेकर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समझ जाएगा देख के कि तुम जो एंगल बताना चाहते हो उसको समझने में दिक्कत, क्योंकि ए से स्टार्ट करेंगे वो, ए से कहा जाएगा और क्यू से कहा जाएगा, बस ऐसा बन गया, और ये वाला एंगल मतलब यही एंगल तुम बताना चाह रहे हो उसको, ठीक है, जहां पे एक वर्टेक्स बहुत सारे एंगल को डिनोट कर रहा है तो वहां पे इस फॉर्म में लिखा जाता है एंगल को, ऐसे तीन तीन पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, और जहां केवल एक पॉइंट एक ही एंगल को बता रहा है, एक पॉइंट एक ही एंगल को बता रहा है, तो तुम डायरेक्ट वहां पे सिंगल सिंगल नोटेशन दे सकते हो, तो कौन सा एंगल पी क्यू एस, आर एस क्यू, ठीक है, कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, पी क्यू एस को मैं लिख रहा हूं पी क्यू ए, लिख सकता हूं क्यू लिख सकता हूं, हाँ क्योंकि एस जिस लाइन के ऊपर आ रहा है, एस ए वाले लाइन के ऊपर आ रहा है, ए भी किस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, क्या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए यहाँ पे डिनोट कर दो, इसको ऐसा ही कर दो पी क्यू ए और इसको नाम दूंगा आर एस ए, ठीक है, अरे समझा, वो उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, अब इन अ ट्रायंगल पी ए क्यू, ठीक है, ऐसा ही था ना हमारा ट्रायंगल, इधर से ही और इधर से जो यही ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल लिया पी ए क्यू, तो इधर से क्या आएगा
आर आर ए एस अच्छा समझने के लिए तुम्हारे लिए बात को दिख रहा है पी ए क्यू दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है कौन सा एंगल अब ए देखो ए टोटल कितने को डिनोट कर रहा है एक दो तीन चार तुम अगर ऐसा लिख दोगे ना एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ठीक है इक्वल तो है बट वहां पे तुम कौन सा एंगल बताना चाहते हो है कि नहीं अरे हाँ सभी एंगल ए भाई ये एंगल इक्वल नहीं है ये इक्वल है ये दोनों एक में को इक्वल है ये दोनों ये एडजेक्शन एंगल है हाँ तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं इधर से ले रहा हूं ए को बीच में लाना है मुझे ए को क्या लाना है तो यही ले लो नाम जो है पी ए क्यू लिया इधर से तो उधर से क्या जाएगा आर ए एस कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा कि ना अभी मैंने ये लिया था क्या नाम था एंगल का तो इधर से लिया है इसमें पी क्यू ए है तो उधर से क्या आएगा आर एस ए है कहां से फ्रॉम वन कहां से ठीक है कितने एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन सा टेस्ट देयरफॉर ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर ए एस बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी समझा अब आगे हाँ बता सकते हो ना कोई दिक्कत नहीं है बता सकते हो तुम लोग डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल बट तुमको नहीं समझा रहा इसलिए मैंने ये लिखा हो कि कहाँ से आ रहे हो डायरेक्ट लिखो तो डिपेंड भी पड़ता है कि बोला ना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड पड़ता है अब इसमें जब पूछेगा तो तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन है कितने मार्क का क्वेश्चन है तो तुम जितना एक्सटेंड करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहता है ठीक है वही अगर 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है इसमें कुछ और भी पूछ रहा तो ये डायरेक्ट लिखते तुम कि अल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल है हाँ 3 मार्क का रहता छोटा इसलिए क्योंकि उसने वो चीज तुमको थोड़ी ना पूछना चाह रहा है इसमें कुछ दूसरा भी उसने इंक्लूड किया ना तो उसने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हाँ अब देखो सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने जो लिख के देता है मैंने सी एस एस टी क्या अप्लाई करना है क्योंकि एस आई डी की बात किया उसने हाँ कि ना क्या बोला इसने एस आर और इधर क्या बोला है एस आर और क्या बोला है तो पहले वो ले लेते हम लोग इधर से लिया मैंने पी क्यू क्या लिया तो उधर से क्या जाएगा आर एस क्या जाएगा आर एस आया अब जो गिवन दिया है क्या दिया है जो उसमें से एक क्या दिया है और एक क्या दिया है कोई एक लो या तो ए आर लो या तो ए एस लो ठीक है तो इधर से मैंने सॉरी ए एस है तो इधर क्या आएगा ए क्यू तो ए क्यू लिया तो इधर से क्या गया ए एस आया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ठीक है PQ अपॉन SR जैसे का ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने PAQ और इधर से क्या लिया RAS पहले क्या लिया था AP हाँ ठीक है RS है क्या अपने पास क्या है AR और क्या है AS हाँ AQ की वैल्यू कुछ दिया है क्या उसने AS की वैल्यू दिया है 5AQ AS की वैल्यू दिया है 5AQ ठीक है और ये AQ जैसे का AS की वैल्यू कितनी दिया है देखो 5AQ दिया है तो उसको रख दिया मैंने हाँ हाँ अब ये देखो ये ऊपर एक टर्म है नीचे भी कितना टर्म है एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया ऊपर कितना बचा ये डिवाइड इधर जाके 5PQ हो जाएगा और ये डिवाइड इधर जाके तो SR कितना हो गया देयरफॉर करके लिख दो SR इक्वल टू 5P यही प्रूफ करना था हमको
हेंस समझा। इधर क्या लिया था मैंने, एक देखो क्या लिया था, एक यू अपॉन क्या लिया था, यस। अब इधर क्या ए आर और क्या है एपी है ना। अगर मान लो तुम इधर से क्या लेते एपी, देखो बोला ना एट अ टाइम एपी उठाते, क्या उठाते तो क्या आता इधर से, एट अ टाइम को एक यूज करना। अभी मैंने किसको यूज किया था, ए एस को, हाँ कि ना। तो तुम अगर ए आर यूज करोगे तो ए आर भी ले सकते, वहां पे दो चीज गिवन दिया था ठीक है। एक दिया था तुमको ए एस इक्वल टू फाइव ए क्यू, ये दिया था, और एक गिवन दिया था तुमको ए आर इक्वल टू फाइव ए पी, ये दिया था। अब दोनों यूज नहीं करना है तुमको, दोनों में से केवल एक यूज करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए क्यू अपॉन ए एस लिया था ठीक है। एक और तीसरी साइड भी आती है तुम्हारी, ये आती है एपी अपॉन ए आर आती, तीसरी साइड क्या आती है ए आर। मैंने ये वाली साइड यूज करके लिया, तुम इसको ना यूज करके आली भी ले सकते हो ठीक है। ए आर की वैल्यू देखो कितनी है, तो ए आर की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा फाइव एपी जैसे को ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा फाइव एपी, ये एपी से एपी सेमी वन बाय फाइव बच रहा है ठीक है। तो आप दो चीज गिवन दिया तो कोई एक ही चीज यूज करना था इसमें, दोनों एट ए टाइम यूज होने वाला समझा। अरे समझा ना, हाँ अभी जैसा आला क्वेश्चन किए ना सेम इसको ऐसा ही करना, अभी जैसा वाला अपन ने अभी क्वेश्चन किए सेम इसको भी वैसा ही करना है। अभी वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल ट्रायंगल लिए थे, कैसा लिए थे ऊपर से, अभी इधर से कैसा आएगा ऊपर का ट्रायंगल सी ओ डी, नीचे से क्या आएगा ए ओ बी, सी ओ डी एंगल और ए ओ बी दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। एक एंगल ले लूंगा मैं कौन सा सी डी ओ, और इधर से क्या हो जाएगा ए बी ओ, दोनों कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल, तो दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल, ये भी एंगल कॉन्ग्रुएंट और ये वाला भी एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, क्या हो गए कौन सा टेस्ट एंगल एंगल टेस्ट, कौन सा टेस्ट एंगल एंगल टेस्ट लगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जो चीज दिया है तुमको वो लेना है, ए भी दिया है ए भी लेना पड़ेगा तुमको नेक्स्ट। अब कुछ सॉल्व करते हो तुमको पता चलेगा क्या क्या लेना है ठीक है, कर लोगे कि ना कराओ कर लोगे पक्का, कॉपी पेस्ट ही मारना है पिछला, बस ट्रायंगल का नाम चेंज। हाँ क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम, पॉइंट ई है जो किसके ऊपर है साइड, प्रूफ क्या करना है लाइन डी ई इंटरसेक्ट ए बी इन पॉइंट टी, प्रूव दैट डी ई इंटू बी इक्वल टू सी इंटू टी, ये सी दिख रहा है और ये मेरा क्या दिख रहा है डी। तो हम ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं दिख रहा है, अब देखो वो कैसे डी डी ये दिख रहा है एक साइड, दूसरी साइड क्या है बी, बी ए दिख रही है नेक्स्ट साइड क्या बोला है सी ए दिख रही है नेक्स्ट साइड क्या बोला है टी ए दिख रही है, मतलब देखा जाए तो ऐसा है ये एक पूरा और ये एक पूरा ठीक है ऐसा है, तो इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो तुमको ये दोनों ट्रायंगल लेना है ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेना है और दोनों ट्रायंगल को क्या करना है सिमिलर, तो एक एंगल तो ऑलरेडी दिख गया कौन सा एंगल, अच्छा अच्छा ठीक है कौन सा एंगल है ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल और एबीसीडी क्या है मेरा क्या है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल होंगे, जैसे मैंने बोला एबीसीडी को पैरेलल है, एबी किसको पैरेलल है सीडी को, तो क्या ये एटी सीडी को पैरेलल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हाँ कि ना, तो क्या ये बी टी डी सी को पैरेलल रहेंगी, तो मैं क्या लूंगा बी टी पैरेलल सी डी, बी टी पैरेलल और ये डी टी क्या हो गया, तो ये एंगल और ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है कौन सा एंगल
ऐसा है ना, गलत बना दिया क्या? सही है, ऐसा ही है ना। कौन सा एंगल? तो एक कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली। और एक कौन सा हो गया? ट्रायंगल। क्या हो गया? बात जो जो साइड दिख रही उसके हिसाब से ट्रायंगल के हिसाब से ले लेना है हमको, समझा? अब नाम कैसे लेना है मैं बता देता हूं। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं डी से, तो डी ई सी क्या लिया? तो कहां से स्टार्ट करूंगे? डी का अपोजिट कौन है? तो टी ई बी, समझा? इधर से मैंने डी से कहा गया ई पे, और ई से कहा जा रहा हूं, तो ट्रायंगल का नाम क्या हो रहा है? डी ई सी। कौन सा हो रहा है? अब डी के हिसाब से उसको कौन सा जॉइंट वर्टेक्स हो रहा है? टी। तो टी, तो कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है? डी ई सी और दूसरा, तो इसमें से डी ई सी एंगल और टी ई बी एंगल दोनों कौन सा एंगल है? तो देखो ऐसा जॉइंट दिख गया तो वर्टिकली दिख रहा है, एक एंगल मिल ही जाता है। पूरा मेहनत करना है दूसरे वाले के लिए। तुमको ज्यादातर क्वेश्चन बोला ना किसके ऊपर रहेंगे एंगल, एंगल टेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? कभी करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, कभी अल्टरनेट मिल जाएगा, है कि ना? अब कोई बोलना नहीं कि इंटीरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इक्वल कैसे बताएगा तू? इंटीरियर इक्वल रहता है क्या? क्या रहता है? तो सम 180 रहता है। सम कितना रहता है? अरे लीनियर पेयर का उसमें दो रहते कि दो से ज्यादा? सप्लीमेंट्री में सम कितना रहता है? अच्छा दो एंगल 90 डिग्री के, कितने डिग्री के? जिससे पूछोगे बता, दो एंगल कितने डिग्री के? तो क्या दोनों इक्वल है? अच्छा दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो दोनों कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देगा। दोनों कौन से एंगल हो गए? दोनों का सम कितना आ रहा है? तो दोनों कौन से एंगल हो गए? लीनियर पेयर बोल रही है। कौन से एंगल हो गए? इंटीरियर हो गए। दोनों कौन से एंगल हो गए? फिर दोनों का सम 180 हो रहा है तो इंटीरियर। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल? एक ग्रुप पे भेजूंगा, लिखने के लिए समय नहीं देने वाला है। क्या किसको दिक्कत है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे को? DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, समझा? प्रूफ पहले मैं लिखूंगा, साइड ए बी पैरेलल, साइड ए बी देखो किसको पैरेलल है? डीसी को। किसको? डीसी को, साइड डीसी, ठीक है? तो रीजन क्या लिखूंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ लेलोग्राम आर पैरेलल, समझा? अब मैं लिख रहा हूं ए बी जैसे का, नहीं सॉरी डीसी जैसे का, मुझे देखो ए बी किसको पैरेलल है? सीडी को। मेरे को लेना है बीटी और डीसी को पैरेलल बताना है, ठीक है? अब देखो ए बी और टी, ए बी और तीनों एक ही लाइन पे सॉरी लाए हो रहे, जब ये वाला इतना पार्ट इसको क्या है, तो ये बीटी भी इसको क्या रहेगा? ए बी भी इसको पैरेलल रहेगा, बीटी भी इसको पैरेलल रहेगा, और एटी भी इसको क्या रहेगा, समझा? Therefore, क्या नाम था? BT parallel side DC, A dash B dash T, ठीक है? देखो side BT, अब तुम इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है? इसमें तुम डायरेक्ट अल्टरनेट लिखोगे क्या?
क्योंकि उसमें डायरेक्ट नहीं बन रहा है अभी, तुमको लेना पड़ रहा है बीटी, ये बताना पड़ रहा है कि बीटी इसको पैरेलल है, तो तुम वो लिखना पड़ेगा, तुमको मेंशन करना पड़ेगा उसमें, वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी उसने क्या बता दिया था, पैरेलल बता दिया था, हमको सिर्फ ट्रांसवर्सल लेना था। इसमें पैरेलल वगैरह पता है क्या, पहले हमको क्या लेना पड़ रहा है, पैरेलल, पैरेलल लिखना पड़ा, तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा कि अल्टरनेट एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, साइड बीटी किसको पैरेलल है, साइड डीसी को। एंड देखो बीटी किसको पैरेलल है, टीडी क्या है उसका, ट्रांसवर्सल ऐसा ही है। सही है ना, टी है यहां पे, क्या है यहां पे, क्या है यहाँ पे, क्या है डीटी है ना, ऐसे ही कुछ है। तो देखो एंगल का नाम क्या लिखूंगा, और यहाँ पे एक बीच में कुछ है, देखो साइड से ई है ना, आ उसको लिख लो, ले लिया मैंने ई। तो देखो कौन सा एंगल, आप देखो जेड का जो कोंटा दिखेगा, ये दिख रहा है वो एंगल रहता है, तो मतलब एंगल टी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल, बट एंगल टी डायरेक्ट लिखना क्या, टी को बीच में रखना, तो एक साइड से बी से स्टार्ट करो, तो बी एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, सी एंगल सी डी ई, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इसको दिया इक्वेशन नंबर। ठीक है नाउ अब ले लो जो एंगल लिया ना वही ट्रायंगल लो, जो एंगल लिया वही ट्रायंगल लो या चेंज कर सकते हो। ठीक है नाउ इन अ ट्रायंगल बी ई टी, कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी ई डी, कौन सा ट्रायंगल लिया बी, ये भी लोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है ले लू वही किरण दू ये, ठीक है बी ई टी, और इधर से क्या लिया, हाँ एंगल, ये एंगल है हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल एबीसी है, मैंने इसको बीएसी बोला, ट्रायंगल चेंज हो रहा है क्या, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, नाम क्या चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, वो भी बोलने के हिसाब से, किसके हिसाब से, ट्रायंगल तो वही आ रहा है ना, बस बीटी दिख रहा है एंगल इसमें, बी टी दिख रहा है, बी ई टी ये एंगल, सी डी दिख रहा है, सी ई डी दोनों कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल है दोनों, कौन सा एंगल बोला मैंने, बी ई टी। ठीक है अब दूसरा क्या बोल रहा हूँ, सी ई डी, कौन सा एंगल है दोनों, क्यू वर्टिकली है, क्यों है, अब वर्टिकल में है, ठीक है मानता हूँ दोनों वर्टिकल में है, एक के ऊपर एक, ये भी ठीक है कि दोनों वर्टिकल है, हाँ वर्टिकल है, सही है, सही बोल रही हो तू, बट उसको पहचानने का एक तरीका है कि ना, अरे हाँ कि ना, दोनों को मिला के देखो क्या बन रहा है, पास हो गया, एक्स बन रहा तो वर्टिकल आया, एक्स बन रहा है तो इधर से एंगल लिया मैंने बी ई टी, उधर से क्या रहा है सी ई डी, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब जो इक्वेशन वन लिखा वाला लिख दो, कौन सा एंगल बी टी ई, कौन सा एंगल, तो इधर से क्या एंगल सी डी ई, कौन सा एंगल, फ्रॉम वन, कहां से, कौन सा टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, देयरफॉर ट्रायंगल बी ई टी सिमिलर ट्रायंगल सी ई डी बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समझा कि ना, समझा ना इतना, अब हमको कुछ नहीं करना, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मैंने दो चीज लिख के दिया था तुमको, याद है, एक लिख के दिया था सी एस एस टी, क्या लिख के दिया था, ये तब यूज करना जब साइड की जरूरत रहे, किसकी जरूरत रहे, साइड की, हमको जो प्रूफ करना है, हमको क्या,
वो साइड है कि एंगल है? क्या है? एंगल रहेगा तो एंगल का नोटेशन देगा सामने, क्या देगा? एंगल का नोटेशन। साइड में जरूरी नहीं है कि साइड लिख के दे वो, ठीक है, लेकिन एंगल में उसको एंगल का नोटेशन देना ही है, ठीक है। अब इसमें साइड लिखा नहीं है तो बोलेंगे साइड तो है नहीं, नहीं लिखा है तो जरूरी है क्या साइड नहीं होगा? है, साइड है वो, लेकिन एंगल में अगर सामने एंगल का साइन उसने नहीं बनाया तो एंगल हो ही नहीं सकता, समझा? तो ये साइड है, तो तुम पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करना, करस्पॉन्डिंग साइड सब सिमिलर, मतलब क्या बोलता है कि दो ट्रायंगल अगर क्या हो गए सिमिलर, क्या हो गए, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो उनके उनका प्रोपोर्शन क्या रहता है सेम, क्या रहता है same. बस अब जो ट्रायंगल लिया ना मैंने उसके हिसाब से डी बी दिखते जा रहा ना वो लेते जाओ, क्या क्या लग रहा है ऐसे डी बी सी टी, ठीक है। हाँ बी लग रहा था हमको, ले लिया बी इधर से, अब मैंने इधर से बी लिया, क्या लिया बी लिया, तो इधर से क्या आएगा टी ले लिया, इक्वल टू टी बी लग रहा है, टी लग रहा था टी लिया इधर से, तो इधर से क्या आएगा डी, बस। अरे हाँ देखो तुमको ये हो गया ना, तो फिर जो लेना है ना उसको उसमें देखना, जिसकी जिसकी जरूरत है वो साइड लेना है हमको, करस्पॉन्डिंग साइड सब सिमिलर, अगर जिसको नहीं समझता है, जिसको ऐसे मान लो अब दिक्कत हो रहा भैया क्या करें, तो कुछ नहीं करना, एक एक हिसाब से लेना, पहले लिया बी ई तो उधर से क्या आएगा सी इक्वल टू, दूसरा लिया ई टी तो उधर से क्या आएगा ई डी, तीसरा वी टी तो उधर से क्या आएगा सी डी, सेम वही लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड सब सिमिलर। अब जो जो साइड की जरूरत है उसको ले लो, बी की जरूरत है, सी की जरूरत है तो इसको पूरा लेना है, टी की जरूरत है, ई डी की जरूरत है इसको लेना है, बी टी की जरूरत है, सी डी की जरूरत है तो इसको लेने की जरूरत, तीनों इक्वल है ना, तो इनमें से कोई भी दो तुम इक्वल ले सकते हो, तो पहले और दूसरे को ले रहा हूं मैं, तो बी ई अपॉन सी इक्वल टू ई टी अपॉन, अब ये डिवाइड इधर जाके तो डी ई इंटू क्या हो जाएगा बी ई, और ये डिवाइड इधर जाके तो टी ई इंटू क्या हो जाएगा सी, इसी फॉर्म में लिखा है, हेंस प्रूफ, समझा? किसी को डाउट पक्का ना? अरे समझा क्या क्वेश्चन? देखो तुमको बस डायग्राम चेक करना है, पहले एंगल ढूंढ।